तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सियासी कलह और क्लेश के बीच अखिलेश यादव के पावर पॉलिटिक्स की चर्चा हो रही है, और ये चर्चा इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर के जरिए बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की गई है। सपा ऑफिस के बाहर में जो पोस्टर लगे हैं उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि पोस्टर के जरिए समाजवादी पार्टी सियासी संदेश देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस से जंग के बीच दबाव बनाने की राजनीति हो रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी को गठबंधन की मजबूत पार्टी की तरह पेश करना भी एक मकसद है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सीट बंटवारे पर मोल भाव के लिए मौका नहीं देना चाहती, और सबसे बड़ी बात यह कि पोस्टर के जरिए अखिलेश यादव को विपक्ष से प्रधानमंत्री का फेस दिखाने की मंशा है, यानी कि अखिलेश के पोस्टर से गठबंधन में गदर मचाना तय है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमें बुलाया ही क्यों था अगर गठबंधन नहीं? समाजवादी पार्टी की बड़ी रणनीतिक एक्सरसाइज उस दिशा में हो रही है जिससे कांग्रेस को चुनौती दी जा सके, क्योंकि मध्य प्रदेश की लड़ाई के बाद 24 में वक्त कम है, उम्मीदें ज्यादा और तैयारी करनी है पुरजोर। दरअसल विपक्षी दल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले चेहरे की चकल्लस में उलझ चुकी है। हर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टी से एक एक चेहरा खुद को पीएम फेस मान रहा है। ऐसे में कांग्रेस से तलखी और तेवर के बीच अखिलेश यादव का पोस्टर छपा है और लिखा है देश के भावी प्रधानमंत्री। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों की खटास अब जगजाहिर हो चुकी है। आज वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर इस तरह की होर्डिंग लगाई गई जिनमें साफ तौर से लिखा गया है कि अखिलेश यादव भावी प्रधानमंत्री हों। इंडी गठबंधन में संयुक्त रणनीति तैयार करने पर चर्चा हो रही है, लेकिन इस रणनीति में पेच पीएम फेस का फंस चुका है। आरजेडी नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता रही है, कांग्रेस राहुल गांधी के फेस पर चुनाव लड़ना चाहती है, और अब अखिलेश यादव का पोस्टर पावर पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल सेट कर रहा है, क्योंकि अखिलेश कह चुके हैं गठबंधन रखना है या नहीं कांग्रेस सोच ले। और नहीं तो सीधा कह दे कि समाजवादियों की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम आपको वादा करते हैं कि हम एक बार भी गठबंधन की बात नहीं करेंगे। मुझे कांग्रेस के लोग बोल दें कि समाजवादी पार्टी से हमें गठबंधन नहीं करना है, हमसे साजिश और षड्यंत्र न करें, हमें धोखा न दें। उन्हें अगर इच्छा है गठबंधन करना तो करें, नहीं गठबंधन करना है तो हमें साफ बता दें, हम अपनी तैयारी करें जिससे हम बीजेपी को हरा सके। मतलब ये कि अखिलेश यादव ने पोस्टर के जरिए गठबंधन के सामने यूपी वाली लकीर खींच दी जो कांग्रेस के लिए चुनौती से कम नहीं। हम समाजवादी लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा से चाहते हैं कि हमारा नेता श्री अखिलेश यादव जी भी देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने उत्तर प्रदेश, देश का जो सबसे बड़ा प्रदेश है, उसको कितनी बाखूबी से चलाया, विकास का कार्य किया जो लोग आज भी याद करते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मेरा नेता श्री अखिलेश यादव जी भी देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसी हम सबकी इच्छा है। और गठबंधन लोग करते हैं, ये गठबंधन चलने वाला नहीं है, सच तो यही है। उसका कारण है न चलने का कि अलग अलग विचारों के लोग इकट्ठा हुए हैं और सब लोग परेशान हैं, सबको सीटों की बड़ी ख्वाहिश है कि हम सब सीटें हम ही लड़ें, इससे यही वजह है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये लड़ाई उस कुर्सी के लिए है जिस पर 2014 से नरेंद्र मोदी विराजमान है, और अगले चुनाव में भी 2014 और 2019 के परिणाम को दोहराने की तैयारी है। लेकिन इन सब के बीच उसी कुर्सी के लिए विपक्षी गठबंधन में अब दो फाड़ है, क्योंकि अखिलेश यादव के नाम का पोस्टर कई संदेश दे रहा है। पोस्टर के जरिए सियासी संदेश देने की कोशिश, पोस्टर में बदला है यूपी बदलेंगे देश का नारा, अखिलेश यादव के कार्यकाल की तारीफ, कांग्रेस से जंग के बीच दबाव बनाने की राजनीति। मुझे लगता है ये बिल्कुल स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में और देश में सभी विपक्षी दलों के बीच में ये संदेश देना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में जहां तक मजबूती और आत्मविश्वास का सवाल है, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। हाल के दिनों में कांग्रेस और सपा की कलह सतह पर उभर कर सामने आ चुकी है। ऐसे में बात एकजुटता की होती रही, लेकिन इंडी गठबंधन में असली खेल अब शुरू हुआ है, क्योंकि विपक्ष में सबको प्रधानमंत्री जो बनना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
हमें बुलाया क्यों था अगर गठबंधन। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की पोस्टर पर सियासत भी हो रही है, बीजेपी इसे गठबंधन में टूट की तस्वीर बता रही है। तो वही विपक्षी नेता अब भी गठबंधन को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं और वही बयान उनकी तरफ से लगातार दिया भी जा रहा है। ये राजनीतिक गठबंधन है, चुनावी गठबंधन है, बेमेल गठबंधन है और अपने हितों के लिए गठबंधन है और प्रदेश देश की जनता सब जानती है। भाजपा का गठबंधन जनता से है, जनता का गठबंधन मोदी जी और योगी जी से है। ये कुछ भी कर ले, जनता हमारे साथ। कि जो इंडिया ने निर्णय लिया है वो साफ है कि हम चुनाव मिलजुल कर लड़ेंगे और चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए दावा वही पेश करेगा नेता के रूप में जिसपे हम आम सहमत के साथ तय कर लेंगे। है कि गठबंधन जो इंडिया बना है वो लोकसभा चुनाव के लिए है। राज्यों में तो अभी केजरीवाल जी का बयान आया कि वो छत्तीसगढ़ भी लड़ रहे हैं, तो कहां गठबंधन में दरार आ गई? कोई दरार नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि अखिलेश जी की और कांग्रेस की बात हुई थी और बात काफी समय तक चलती रही, तो बात हो जाती तो अच्छी बात ही। लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी राज्यों में एक बार फिर से सीएम योगी डिमांड में हैं। पीएम मोदी और अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा सीएम योगी की रैली और रोड शो की मांग हो रही है, जो नवंबर के पहले हफ्ते से शुरू होने वाली है। माना जा रहा है कि 5 राज्यों में सीएम योगी करीब 65 जनसभाएं करेंगे, जिसमें से एमपी में 25 और राजस्थान में 22 जनसभाएं प्रस्तावित हैं। चुनावी राज्यों में सीएम योगी रैली के साथ साथ रोड शो भी करेंगे। साथ ही जन आशीर्वाद यात्रा में दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री योगी के साथ में रहेंगे, तो वहीं यूपी के मंत्रियों की भी चुनावी राज्यों में ड्यूटी लगाई गई है। यानी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से टीम योगी का जलवा देखने को मिलेगा और इसी पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर डिमांड में हैं। योगी दांव से मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 5 राज्यों के रण को फतह करने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है और जिम्मेदारी एक बार फिर पीएम मोदी और अमित शाह के बाद मुख्यमंत्री योगी को दी जा रही है। दरअसल कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी को जनादेश दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले योगी अब मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के दौरे पर जाने वाले हैं, क्योंकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही सीएम योगी की डिमांड सबसे ज्यादा है। ये डिमांड इसलिए भी क्योंकि यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था है, योगी का नया बुलडोजर मॉडल हिट है, क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं और उत्तर प्रदेश में निवेश क्रांति हुई है। बीजेपी इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने के लिए अपने स्टार नेताओं की फौज जमीन पर उतारने जा रही है, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बाद सीएम योगी का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं की भारी डिमांड है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यक्रम विभाग के पास में इन राज्यों से एक बड़ी संख्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली जनसभाओं की मांग की निकली है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवंबर माह के पहले सप्ताह से इन चुनावी राज्यों में जनसभाएं करते नजर आएंगे। दरअसल बीजेपी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी मॉडल वाला संदेश देना चाहती है और इसी रणनीति के तहत सीएम योगी की लोकप्रियता फिर से बढ़ी है। ऐसे में नवंबर में सीएम योगी की चुनावी जनसभाएं होंगी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रैली करेंगे, चुनावी राज्यों में रैली के साथ रोड शो भी करेंगे, मध्य प्रदेश में नामांकन में भी शामिल होंगे सीएम योगी। इन राज्यों में सीएम योगी की 65 से ज्यादा जनसभाएं होंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता यूपी ही नहीं बल्कि उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक बढ़ रही है और इसे हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता से जोड़कर देखा जा रहा है। गुजरात, त्रिपुरा और कर्नाटक के बाद सीएम योगी एक बार फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुंकार भरेंगे और हिंदुत्व की छवि और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति से वहां की जनता को अवगत करवाएंगे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पूरे देश में उनकी लोकप्रियता के नाते मांग है। जिस तरीके से 6 साल में उत्तर प्रदेश में काम हुआ उसके आधार पर सभी प्रदेशों में कार्यकर्ता और जनता वहां की
योगी आदित्यनाथ जी को सुनना चाहते हैं। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो डिमांड बढ़ रही है उससे जाहिर है कि राष्ट्रीय स्तर पर योगी आदित्यनाथ की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है और ये उनकी बढ़ती लोकप्रियता या तो उनके हिंदुत्ववादी चेहरे का प्रतीक है। योगी आदित्यनाथ को पांच राज्यों में हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के साथ ही बेहतर कानून व्यवस्था के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व मिला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की रैली एक ऐसे वक्त में होने वाली है जब धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। माफिया को मिट्टी में मिलाने वाला संदेश दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ यूपी में विकास को धार देने के लिए ग्लोबल समिट करवाया गया जिसका सीधा संदेश चुनावी राज्यों की जनता को देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आजम खान को सीतापुर जेल में तन्हाई बैरक में रखा गया है जहां वो पूरी रात करवटें बदलते रहते हैं लेकिन नींद नहीं आती। और इस कश्मकश के बीच आजम खान एक और रणनीति पर काम भी कर रहे हैं, जैसा कि 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त जेल में रहते हुए उन्होंने किया था। इस बार आजम की नजर रामपुर की लोकसभा सीट पर है जिस पर फिर से कब्जा जमाने के लिए वो सिपंदी कार्ड खेलने की कोशिश भी कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से आजम को बेचारा मासूम बताना भी इसी रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा दें। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आजम खान की रातों की नींद उड़ चुकी है, जेल की बैरक में तन्हाई उन्हें सोने नहीं दे रही और ऐशो आराम से रहने वाले आजम पूरी रात करवटें बदल रहे हैं, लेकिन दिन के उजाले में उन्हें इंतजार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और करीबी नेताओं से मिलने का है। दरअसल आजम खान सीतापुर जेल में बंद है। सूत्रों के मुताबिक आजम को तन्हाई बैरक में रखा गया है। आजम को हाई सिक्योरिटी वाले बैरक में रखा गया है। जेल प्रशासन की तरफ से अभी काम नहीं लिया जा रहा, लेकिन क्या आजम खान जेल में बैठकर ही सियासी शतरंज खेलने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह उन्होंने जेल शिफ्टिंग के वक्त एनकाउंटर की आशंका जताई, अब उसे विपक्ष मुद्दा बनाने की तैयारी में है। मोहम्मद आजम खान इस देश के समाजवादी नेता हैं और उनका लोकतंत्र की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। लोकतांत्रिक परंपराओं को, लोकतांत्रिक कार्यों को जिस तरीके से आजम साहब करते कम लोग करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके अपनी आलोचना जो करे उनकी आलोचना करे या उनकी गलतियां जो उठाए उनको प्रताड़ित करने का काम करती है। तो ये आजम खान जी के साथ जो हो रहा है वो उनके ही अपने कर्मों का नतीजा है। अपने शासन सत्ता काल में जिस तरीके से उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया और नियम कायदे कानून की जो उन्होंने नियम कायदे कानून के साथ खिलवाड़ किया, ये उसका ही नतीजा है। अगर आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो आपको मीठे फल कहां से मिलेंगे, तो इस तरीके की बातें करना कहीं से उचित नहीं है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त आजम खान जेल में बंद थे, बावजूद इसके उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता। इतना ही नहीं, बेटे अब्दुल्ला आजम को भी सिंपैथी वोट का फायदा मिला और उन्होंने स्वार सीट पर अपनी जीत दर्ज करवाई। भले ही दोनों की विधायकी चली गई, लेकिन एक बार फिर 2024 का लोकसभा चुनाव सिर पर है। ऐसे में माना जा रहा है कि आजम जेल से ही खेल करने वाले हैं। अगर हम विधानसभा की बात की जाए तो जिस समय विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस समय आजम खान सीतापुर की ही जेल में बंद थे। उस समय भी माना जा रहा था कि जो प्रदेश के जो टिकट फाइनल किए जाएंगे वो आजम खान की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। दरअसल आजम खान की जेल यात्रा को समाजवादी पार्टी जुल्म बता रही है और कोशिश रामपुर की उस सीट पर वापसी की है जहां अभी बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में आजम की तरफ से एनकाउंटर का डर और समाजवादी पार्टी की तरफ से जुल्म और नाइंसाफी का संदेश ये बताने के लिए काफी है कि आजम तन्हाई बैरक में रिहाई की स्क्रिप्ट सियासी पन्नों पर लिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विक्रम हरजन ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर एक विवादित टिप्पणी की जिसके कारण असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम हरिजन पर केस दर्ज किया गया। विवाद बढ़ने पर प्रोफेसर विक्रम ने माफी तो मांग ली, लेकिन संत समाज और बीजेपी नेताओं ने आरोपी प्रोफेसर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखा दें। यह है प्रोफेसर विक्रम हरिजन जिन्होंने सोशल मीडिया पर विवाद का वो लेक्चर दिया
जिस पर अब मुकदमा दर्ज हो चुका है। विक्रम हरिजन ने भगवान राम और श्री कृष्ण को लेकर विवादित टिप्पणी की और भगवान को जेल भिजवाने की बात लिखी, जिसके खिलाफ हिंदूवादी संगठन ने मोर्चा खोल दिया है और कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। FIR के मुताबिक प्रोफेसर पर आरोप लगे हैं कि धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा दिया गया, धार्मिक भावनाओं को अपमानित किया गया, हिंदुओं की आस्था का मजाक बनाया गया, हिंदू समुदाय की भावनाओं को चोट पहुंचाई गई। झोलाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं विक्रम कुमार, उनके विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। इनके द्वारा ट्विटर के माध्यम से कुछ अशोभनीय जो टिप्पणियां हैं वो की गई थी, तो इसमें वादी की तहरीर के आधार पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दरअसल शिकायतकर्ता का कहना है कि संविधान अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, लेकिन विक्रम हरिजन जैसे लोग सामाजिक अशांति फैलाने के लिए इसका फायदा उठा रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि संविधान आपको देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालने वाली टिप्पणियां करने की इजाज़त नहीं देता। भगवान राम क्षत्रिय थे, भगवान कृष्ण क्षत्रिय थे, ये सब जात को लेकर के चल रहा है, लेकिन वास्तव में वो जन्म भले लिए थे, वो भगवान थे, वो सबके थे। जो इतना बुद्धिमान हो करके और इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहा है, यद्यप करके उचित नहीं है, लेकिन जिसका उन्होंने उदाहरण दिया है, जिस ऋषि संभूक का, आखिर कुछ तो कारण रहा होगा भगवान श्री राम के वध करने का। इधर असिस्टेंट प्रोफेसर विक्रम का कहना है कि विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन कर संविधान के दायरे में सवाल उठाए हैं। आज के वक्त में SC ST पर अत्याचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संविधान की शक्ति उनके पास है। इसी आधार पर आज के परिप्रेक्ष्य में जेल भेज दिए जाने की टिप्पणी की है। किसी को ठेस पहुंची तो मैं माफी मांगता हूं। मेरा मकसद धार्मिक भावनाओं को भड़काना नहीं है। हालांकि हिंदूवादी संगठन अब प्रोफेसर विक्रम की गिरफ्तारी पर अड़ चुके हैं, तो इस मसले को राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है। यदि किसी को हमारे इंस्टीट्यूट से उनकी भावनाओं को आहत हुआ है तो मैं उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगता हूं। इतना मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठनों के बड़े नेता तमाम ऐसी बातें करते रहते हैं जिन बातों से हमारे देश की सामाजिक समरसता कमजोर होती है। मेरी समझ में ऐसी बातों से उनको बचना चाहिए। मतलब साफ है, जिस तरह समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू आस्था पर चोट के बाद विवाद को जन्म दिया था, एक बार फिर कुछ तथाकथित प्रोफेसर हिंदू देवी देवता पर टिप्पणी कर लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हिंदूवादी संगठन का कहना है कि अगर ऐसे लोगों को सजा नहीं मिली तो हिंदू आस्था पर इसी तरह हमले होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात एक ऐसे मर्डर की जिसमें 14 बार जांच अधिकारी बदले गए, लेकिन हर बार जांच में खेल होता रहा। क्योंकि जब जब आरोपियों की कुर्की और गिरफ्तारी का वक्त आता था, अचानक से जांच अधिकारी रातों रात बदल दिए जाते थे। अचानक जांच अधिकारी रातों रात बदल दिए गए। इसके अलावा अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर किसके इशारे पर मर्डर केस के जांच अधिकारी बदले गए थे, और इसी की जांच के लिए प्रमुख सचिव गृह ने निर्देश दिए। राजधानी लखनऊ से करीब 100 किलोमीटर दूर गोंडा जिले के एक गांव में एक दलित का कत्ल होता है। जिसे कत्ल किया गया उसका नाम था दलित रमई। कत्ल की जांच पहले पुलिस को सौंपी गई, चार बार पुलिस ने जांच अधिकारी बदले, फिर मामला CBCID के पास पहुंचा। CBCID की जांच में भी यही खेल चलता रहा, फर्जी अंगूठा, फर्जी फरियाद और फिर बदलते रहे जांच अधिकारी। जब खेल खुला तो अधिकारी भी सन थे कि आखिर इसके पीछे कौन है। 2017 में हमारे पिताजी की हत्या राधेश्याम दुबे विष्णु शंकर कलुटो मोरली कर दिए थे। हमारे साथ हम थे, हमारी माता जी थी, हमारी बहन, हमारे भाई लोग थे। गर्मी का सीजन था, बरंडे में लेटे थे। उसके बाद हम 100 नंबर को मिलाए, थाना वाले को सूचना दिया। उसके बाद प्रथम सचिव ब्रह्म सिंह ने उनके खिलाफ NPW जारी किया, नामजद अभियुक्तगढ़ के खिलाफ। उसके बाद वो नामजद अभियुक्तगढ़ ने दबंग होने के कारण अपने सर्कस विजय से पैसा दे करके उनका जांच ट्रांसफर करवा दिया। और जैसे ही कोई अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई करता वो जांच ट्रांसफर हो करवा लेते हैं। हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि इस मामले में जब जब पुलिस की जांच किसी नतीजे पर पहुंचती है
यानी पुलिस नामजद आरोपियों के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट लेने वाली होती है या कुर्की के आदेश लेने जा रही होती है, तभी सीबीसीआईडी की जांच का अधिकारी बदल दिया जाता है और नया अधिकारी जांच फिर से शुरू करता है। मगर अब इस मामले में अपर मुख्य सचिव गृह ने डीजीपी को जांच के आदेश दिए हैं। वहीं सीबीसीआईडी के वर्तमान जांच अधिकारी एडिशनल एसपी समीर सौरभ पर इस मामले की वादिनी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सीबीसीआईडी के जांच अधिकारी उनका आर्थिक और सामाजिक उत्पीड़न कर रहे हैं। ये मामला तब खुला जब इस मामले के आरोपियों की जगह वादिनी के मददगारों को ही फंसाने की कोशिश होने लगी। तब पता चला कि वादिनी का फर्जी अंगूठा लगाकर इसके 14 जांच अधिकारी बदलवाए गए। जांच अधिकारियों के बदलने की ही जांच के आदेश संजय प्रसाद की ओर से दे दिए गए हैं। पूरा मामला 7 साल पहले का है, 5 जून 2017 है, तरबगंज गोंडा। पकड़ी गांव में रह रहे रमई की गांव के ही दबंग राधेश्याम दुबे, विष्णु शंकर दुबे, मोहर अली और कलूट ने लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। हत्या के साथ साथ SC ST एक्ट में क्राइम नंबर 238/2017 पर 4 आरोपियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज हुई। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।